प्यारे बच्चों आदाब, मेरा नाम मोहम्मद फैरूस, मैं हूँ आपके उर्दू टीचर। अब सब कैसे हो? ठीक है ना? हमको मालूम है अभी कोरोना वायरस की बीमारी हर दिन बढ़ रही है, इसलिए आप सब अपने घर में ही रहिए। बाहर जाने का वक्त ज़रूर मास्क पहनना चाहिए और बीच बीच में अपने हाथ साबुन और सैनिटाइजर इस्तेमाल करके अच्छे तरह साफ करना भी चाहिए, ठीक है ना? आप सब अभी पांचवें जमात से छठी जमात पहुंच हुआ है। क्या है पांचवें जमात? अंजंग लासले। और छठी जमात क्या है? आरंग लास। आप सब अभी पांचवें जमात से छठी जमात पहुंच हुआ है। आप पांचवें जमात में उर्दू के बारे में आप क्या क्या पढ़ा है? उर्दू के बारे में बताइए, आप सब बताइए क्या क्या पढ़ा है। हाँ, बहुत छोटी छोटी नज़में पढ़ा है और इसमें से अमावाज अल्फाज ढूंढ कर लिखने को मालूम है आप सबको। और क्या है, छोटी छोटी लफ्ज़ों इस्तेमाल करके जुमला भी बनाते हैं। और क्या क्या, कौन, कैसे, ये सब इस्तेमाल करके सवालात भी बनाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर में कौन कौन है, इस तरह सवालात भी आप बनाते हैं। अले चौदह कंडा का निगल पढ़ी। और गुफ्तगु भी बनाते हैं। क्या है गुफ्तगु? कॉन्वर्सेशन ले, संभाषण ले, संभाषण पढ़ी, पद्य पढ़ी, पद्य राइमिंग वर्ड्स कंती എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. ഔർ പൂൽ, പൽ, തർക്കാരിയ, ജാൻവർ, രംഗേ, ഇസി തര ബോധക്കെ നാമ ആപ്നെ പഠാ ഹെ. ഔർ ഉസ്കെ ബാരേ മേ ലിഖ്നക്കോ ബി ആപ്കോ മാലൂം ഹെ. അല്ലേ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പേരുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് ജുംല എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസി തര ഹംകോ ചട്ടി ജമാത്ത് മേ ബി പഠനാ ഹെ. बहुत आसानी से, इसी तरह बहुत आसानी से हम पढ़ सकते हैं. अंजाम क्लास में हम लोग इंग्लिश की आनो पढ़ चुके, अधैर बोले थे नहीं, वाले एलुपत ले आरंग क्लास ले यूं, नमक के पढ़ी चढ़का साधी को, अब तीर्षी आए तो, निंगल नन्ना आए थे, श्रद्धिका नन्ना आए थे पढ़ी का. हमारा उर्दू के दर्सी किताब में या टेक्स्ट बुक में पांच यूनिट है. इसमें पहला यूनिट है पाले पोसे, इसमें भी पांच चैप्टर है. और एक है माँ के बारे में, अम्मी के बारे में एक खूबसूरत नज़म है. और दूसरा डोसा और चटनी, एक खाने के बारे में गुफ्तगू है. और तीसरा दूध की तरह एक बयानिया है, ये जानवर के बारे में बयानिया है. और इजाज़त दीजिए एक खत है. क्या है खत? लेटर है. और इंतजार में एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है. ये सब है हमारे पहला यूनिट में. हमारा पहला चैप्टर अम्मी के बारे में या माँ के बारे में नज़म है. इसके पहले जीरो पेज है. अब साहब जीरो पेज देखिए क्या है. हाँ, ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है. इसमें एक छोटी सी गीत है, आप ये गीत एक बार सुनिए. कितना अच्छा घर है मेरा, कितना प्यारा घर है मेरा, अब्बा अम्मी दादी दादा भाई बहना सहारा मेरा. कितना अच्छा घर है मेरा, कितना प्यारा घर है मेरा, तोता मुर्गी बिल्ली कुत्ता जिनसे भरता दिल है मेरा. कितना अच्छा घर है मेरा, कितना प्यारा घर है मेरा, कितना प्यारा घर है मेरा. आप सब ये गीत सुना है,
हाँ, बहुत खूबसूरत है। और ये तस्वीर देखिए, हमारा ये तस्वीर में आप इसमें ये तस्वीर में कौन कौन है और क्या क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं इसमें? हाँ बताइए, क्या क्या है? घर है, घर और खेत, हाँ पहाड़, अच्छा दादा है, दादी है, बच्चे हैं, किसान, मुर्गी, बिल्ली, कुत्ता, हाँ गाय, हाँ पेड़ पौधे, इसी तरह बहुत है ना? हाँ ये सब है। आप सब क्या करना चाहिए? ये सब आपके उर्दू के नोटबुक पर लिखना चाहिए। आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं वो सब, घर, दादा, दादी, अब्बा, अम्मी जैसे आप क्या क्या देख सकते हैं वो अपने नोटबुक पर लिखिए और इसके बारे में जुमला भी बनाया जाती है। क्या आप इसमें, एक है बिल्ली, आप इसके बारे में जुमला भी लिखना चाहिए क्या? कैसे? हाँ घर में बिल्ली है, या घर के आंगन में बिल्ली है, मुर्गी है, बच्चे हैं, बच्चे आंगन में खेलते हैं, बच्चे आंगन में खेलते हैं, इसी तरह आप जुमला भी बनाना चाहिए और अपने उर्दू के नोटबुक पर लिखना चाहिए, ठीक है ना? हमने बताया है हम माँ के बारे में, अम्मी के बारे में एक नज़म, हाँ पहला यूनिट नज़म है। हम जरूर अगले क्लास में वो नज़म के बारे में या उर्दू के नए नए बातों के बारे में अगले क्लास में पेश करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।